हेलो अर्शी, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। हेलो, आपको लग रहा था आपकी आवाम ऐसे आपको निकालेगी बाहर? मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि मेरी आवाम ने मुझे बाहर निकाला है, क्योंकि मुझे अपनी आवाम के ऊपर पूरा यकीन है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हो सकता है मैं शो का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट पैकेज हूँ, जिसकी वजह से हिना और शिल्पा शिंदे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ हुआ है जो मुझे निकाल के बाहर कर दिया है। तो आपको उम्मीद तो नहीं होगी इस टाइम बाहर आने की? क्योंकि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं 15वें हफ्ते तक जाऊंगी, फिनाले तक जाऊंगी, क्योंकि मैंने उस तरीके से खेल को खेला था, अच्छे तरीके से खेला मैंने। और मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 4 तक तो जाऊंगी, और इतना जल्दी निकलना आकाश के सामने, लव के सामने, प्रियांक के सामने, पुनीश के सामने, तो बेइज्जती थी मेरी। एक्चुअली हमने ये नोटिस किया कि विकास के करीब जो भी आता है वो बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं, तो इस कुछ लास्ट कुछ वीक से आप ज़्यादा क्लोज हो गई थी उनके? तो ऐसा कुछ क्लोज थी? हाँ नहीं, शुरू में आप थी, बट बीच में फिर शिल्पा से आपकी काफ़ी फ्रेंडशिप थी, फिर पुनीश भी था, फिर हितेन भी थे। तो हितेन के टाइम पे उतना विकास सबको टाइम नहीं दे पाते थे अभी। हाँ ये सही बात है, क्योंकि सबके दोस्त बटे हुए थे। हितेन के साथ विकास रहते थे, शिल्पा के साथ मैं रहती थी, तो हम लोग एक दूसरे को वक्त देते थे, लेकिन टास्क के टाइम बातचीत कर लिया करते थे, हंसते फिरते थे, खेलते थे, अपना काम करते थे। लेकिन हाँ, बाद में विकास से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हितेन के जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसके साथ जो रहता है वो चला जाता है, खेल है, और उसमें लोग हमेशा, देखिए वो है उस खेल का सबसे मास्टरमाइंड बंदा, और लोग उसे तोड़ना चाहते हैं और उसकी चीज़ को ही टारगेट करते हैं। जैसा कि हितेन के ऊपर टारगेट हुआ था, शिल्पा ने किया था, क्योंकि शिल्पा चाहती थी वो शो से चला जाए, तो शिल्पा ने उन्हें घर से निकाला था, दुनिया वालों ने नहीं निकाला था। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि उसके करीब जाने से ऐसा होता है, क्योंकि उस इंसान ने बहुत कुछ सिखाया है, खेल को बहुत अच्छा खेला है, और मुझे लगता है कि शो छोड़ने से ज़्यादा अफसोस वो होता कि मैं उससे दूर हो जाती उस घर के अंदर। हम सब ने आपके और शिल्पा जी के रिलेशन को देखा, बहुत खट्टा मीठा टॉम एंड जेरी टाइप का रिश्ता था, कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लेकिन आप, क्या हो गया था जो आप अचानक इतनी नाराज़ हो गई थी? और वो मुझे कंट्रोल करना चाहती थी, वो हमेशा से चाहती थी कि मैं उनके हिसाब से चलूँ, और मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ चलूँ, वो चाहती थी कि मैं उनके पीछे चलूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो चीज़। और हिना से मेरा रिश्ता कहीं ना कहीं सुधर गया था, तो उनको वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो मुझे बहुत कमेंट्स पास करती थी। वो मुझे बोलती थी छिपकली की तरह चिपक गई है विकास गुप्ता से, ये वो छिपकली की तरह चिपक गई है प्रियांक से, बहुत सी चीज़ें बोलती थी जो बुरा भी लगता था मुझे। लेकिन मुझे उनको सिर्फ यही कहना था कि हम सब साथ में रहें तो मज़ा आएगा, और टास्क करेंगे, ऐश करेंगे। मेरा लास्ट वीक में यही कहना था उनसे, नहीं लड़ते, नहीं लड़ते, चलो नहीं लड़ते। लेकिन वो चाहती थी कि मैं हमेशा हिना से लड़ती रहूं, और लोगों की बेइज्जती करती रहूं, और उनके साथ रहूं हमेशा। तो मैं कहती थी मैं आप ही की हूं, मैं आप ही की हूं, मैं आपके साथ ही हूं। लेकिन उनका बर्ताव कहीं ना कहीं बहुत गंदा हो गया था। हिना के साथ कैसा रिलेशन रहा आपका? क्योंकि बीच में आप काफ़ी नाराज़ थे एक दूसरे से, फिर आपकी अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग हुई, फिर हिना ने ये भी बोला कि हम दोस्त नहीं हैं, तो वो सब हमें समझ में नहीं आया। देखिए हिना मेरी, मैंने भी, उसने जब ये बात कही कि हम दोस्त नहीं हैं, तो मैंने भी उस वक्त बोला था हम दोस्त नहीं हैं, क्योंकि हिना ने अपनी गलतियाँ मानी थी कहीं ना कहीं, वो मुझसे अच्छे से बर्ताव करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसा चलता है तो ठीक है, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। बेवजह लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं बचाता, क्योंकि बेवजह लड़ना तो मतलब ये था कि वो दिखता है टीवी पे कि हाँ क्यों बेवजह लड़ रहा है, वजह भी होना चाहिए लड़ाई की। हिना, शिल्पा से मेरी वजह थी लड़ाई की, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं किसी और से बात ना करूं। तो किसी को कंट्रोल करना शो के अंदर, पीछे रखना, वो गलत था। मैं हमेशा चाहती थी हम साथ चलें, मैं पीछे ना चलूं, हम साथ चलें। तो वो उनको बर्दाश्त नहीं था, वो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो जाती थी इन सब चीज़ों से, और मेरे पहनावे से उनको बड़ा दिक्कत रहता था सब कुछ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी फिर आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, आप अपना चाहिए, आप अपना खेलो, मैं अपना। अभी प्रियांक को क्या हुआ जो हितेन के जाने के बाद वो विकास के क्लोज और हिना के से काफ़ी उनका डिफरेंस हो गया है? देखिए प्रियांक जो है, हिना शो की वैम्प है, ये तो सब जानते हैं। तो हिना ने जो किया प्रियांक के साथ, जैसा कि लास्ट टाइम अभी हमें बैरिस्टर जेल जाना था,
तो प्रियांक का उसने झट से नाम दे दिया सबके सामने अंदर जाकर, प्रियांक को जेल भेजो। तो ये चीज़ पे उसको पता चली, मैंने प्रियांक को बताई। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें वो उसको धोखा दे देती थी, चाहे कैप्टनसी का टास्क हो तो उसने उसमें धोखा दिया। जब खड़ा होने का डिसीजन टाइम था कि किसको कैप्टन बनना है, क्योंकि बिग बॉस ने मैं कह दिया था कि वरना कार्य रद्द कर देंगे, तो उसने अपने आप को ही रखा, प्रियांक को नहीं रखा। तो विकास गुप्ता हमेशा प्रियांक को रखता था, तो विकास की अच्छाइयाँ थी जो प्रियांक उनके करीब चला गया। प्रियांक के दोबारा घर आने के बाद जो प्रियांक ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की आपके अगेंस्ट, और सपना ने भी काफ़ी कुछ बोला, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? सपना से उम्मीद नहीं थी मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक औरत है, तो बड़ा बुरा लगा था मुझे, बड़ा शॉकिंग था, गंदा लगा मुझे। तो मैंने यही सोचा कि एक औरत मतलब दूसरी औरत की इज्जत उछाल रही है शो के अंदर, इतने बड़े शो में आप उछाल रहे हो, तो वो बुरा लगा। प्रियांक से था, क्योंकि प्रियांक बहुत अलग बददिमाग टाइप का इंसान है, वो नहीं समझता था, तो मैंने उसको मुझसे माफ़ी बहुत बार मांगी, माफ़ किया मैंने, लेकिन वो फिर से वही हरकत करता था, आई हेट यू अर्शी खान, गलत था। तो उसने अपनी माफ़ी दिखाई लास्ट में, दो हफ्ते के अंदर उसने अच्छे से बर्ताव किया, मैंने भी किया। जब मैं घर से निकली तो मेरे दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं, तो मैंने वही अधिकार जो मुझे मिला, तो मैंने प्रियांक का भी नाम लिया, क्योंकि उस वक्त शिल्पा मेरी दोस्त नहीं थी ना, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया था, हिना तो मेरी दोस्त थी, तो बचे सिर्फ प्रियांक थे और विकास गुप्ता। तो प्रियांक को दिखाना था कि यार दोस्ती ये रहती है, तो मैंने दिखाया। तो अभी हिना और शिल्पा में से कौन बेहतर है, और एक इंसान कौन बेहतर है दोनों में से? दो एक तरीके की, वो हंसती है, वो गुस्सा करती है, वो ये किचन में रहती हैं, वो अपने बेड पे रहती है, किचन में पिचिंग करती हूँ, बेड पे पिचिंग करती हूँ, दोनों एक ही तरीके के इंसान। शिल्पा में ये भलाई है कि वो शो के लिए लोगों को खाना खिलाती है, हिना को खाना नहीं बनाना आता, तो वो थोड़ा पिछले। वो हमने टैप वाली जो वो देखी चीज़ें, वो क्या था, सबने ऐसा फील किया दूर से एज एन ऑडियंस, हमने ऐसे देखा कि आपने उनको बोला और उन्होंने जाके शिल्पा से फाइट करी कि आप नल से खाना क्यों बनाती हैं, पारों से, वो सब क्या था वो? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं भड़काया, मैंने बिल्कुल नहीं। उसने मुझसे पूछा था कि नल के पानी से खाना बनता है, तो मैंने कहा हाँ, मैं जब भी नल का पानी इस्तेमाल करती थी, और सभ्यसाची भी इस्तेमाल करता, शिल्पा भी करती है, मैं भी करती थी, तो मैंने कहा हमेशा से, कभी भी मैंने कहा उससे फिल्टर से नहीं लिया है पानी। तो लगा होगा स्क्रीन पे कि मैंने भड़काया, लेकिन मैंने सच बोला कि हाँ वो करती है, वो करती है, और वो नल का ही पानी पीती है, वो कभी आरो फिल्टर का कभी पानी नहीं पिए, शिल्पा नल का ही पानी पीती है, उसकी पीला भी पानी आएगा वो नल का ही पानी पीती है, पता नहीं कैसे डाइजेस्ट कर जाती है। हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी रात के अंदर पानी की वजह से, तो पेट दर्द होता था, लोग बार बार परेशान होते थे, पेट दर्द बड़ा रहता था। तो उसने मुझसे पूछा मेरे पेट दर्द होता है क्या, ये नल का पानी इस्तेमाल करती हूँ? हाँ। तो मैंने सच बोला था, मैंने भड़काया। सलमान खान के बारे में हम जानना चाहेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा शिल्पा का साथ दिया, और आपको ऐसा लगा कि वो कभी बायस्ड हुए या पार्शियल हुए? एक बार लगा था जब मेरी उनसे बहुत बातचीत पड़ गई थी, एक बार लगा था, चाहती थी कि वो डांट दें, बायस तो कभी नहीं हुए, लेकिन वो हाँ उनका झुकाव ज़्यादा शिल्पा की तरफ रहता। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं चाहती थी दिल से कि वो एक बार डांट दें उनको, लेकिन उन्होंने नहीं डांटा, हमेशा मतलब शुरुआत वीकेंड की मुझे से होती थी, अर्शी बताओ ये क्यों हुआ, तो मज़ा भी आता था मुझे उनके साथ, और वो मुझे बड़े जिल्लत के लड्डू खिलाते थे, तो मैं बड़े फूल की तरह लेती थी कि अरे चलो ठीक है, सलमान है सलमान है, अच्छा लगता था। लेकिन साथ उन्होंने एक वक्त जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैं चाहती थी कि हाँ वो उनको डांटते हैं, लेकिन नहीं डांटे, तो मैंने कभी उस बात को जिक्र भी नहीं किया। कभी आपको आकाश के नेचर से लगा कि वो चीप है, क्योंकि ऐसा घर वालों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो शिल्पा को गलत तरीके से देखते हैं या ऐसा करते हैं? देखिए इसमें गलती शिल्पा की भी है, क्योंकि शुरुआती हफ्ते में शिल्पा खुद ही उससे किस करवाती थी, वो उनको परेशान करता था, वो उनको आके टच करता था, तो मुझे बुरा लगा एक बार, जैसे मसाज कर रही थी वो, शिल्पा मसाज करती थी, तो वो उसके ऊपर बैठना चाहती थी शिल्पा, तो मैंने उनको इशारा किया मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ गलत हो जाएगी ऑन कैमरा, वो गलत दिखेगा। शिल्पा शुरुआत में जब मना नहीं की, तो बाद में वो चीज़ गलत कैसे हो सकती? इसमें मैं आकाश का साथ दूंगी, क्योंकि वो बंदा कभी भी मेरे हिसाब से उनको गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन शिल्पा की आदत ही इशू बना रही थी, और उन्होंने इस चीज़ का इशू। अभी कौन विनर है आपके अकॉर्डिंग? विकास।
विकास और लव और हिना का रिलेशन जैसा कि सबने बोला लव को उनसे प्यार हो गया ऐसा कुछ नहीं. नहीं थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.